आज हमारा फिजियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ टिश्यूज। हाँ, सेकंड लेक्चर है। अच्छा सॉरी, सेकंड लेक्चर है ये ना, कल पढ़ा था जो, उससे पहले भी शायद एक लेक्चर गिवन है। यानी अच्छा, फिजियोलॉजी सेकंड लेक्चर है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था डिटेल से कि सेल क्या होता है, ठीक है। सेल क्या था मैंने कल बताया था, इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। तो जो आपका ऑर्गन डिवेलप होता है वो किस तरह से होता है, कि सेल जो है ना वो आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ द लिविंग बॉडी। सेल से जो है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ना हैविंग द सिमिलर फंक्शन आर कंपोजिंग टिश्यू, ठीक है। सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें आपका एक सेल है, इसमें जो है ना आपके काफ़ी सारे सेल, सिमिलर सेल मिल के जो है ना वो क्या बनाते हैं, सिंगल टाइप ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यू जो है ना वो क्या होगा, सिमिलर सेल का, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। उसमें जो है ना आपके जो सिमिलर टाइप होगी, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक वो टिश्यू वो बनाते हैं। टिश्यू के बाद जो है ना आपका सेल जो है टिश्यू बनाता है, टिश्यू से जो है ना फिर ऑर्गन फॉर्म बाय टू और द मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अच्छा, एक जो ऑर्गन होता है आपका, इसमें ये क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड बाय द टू और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यूज। टिश्यू कितने तरह के हैं आपके, चार तरह के टोटल टिश्यूज हैं। वो कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड द नर्वस टिश्यूज। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गन जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही तरह के टिश्यू होंगे। ऑर्गन जो है ना फॉर्म्ड बाय टू और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यूज। प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू से मुराद क्या है कि उसमें आपके जो है ना एपिथेलियल टिश्यूज भी हो सकते हैं, उसमें आपके कनेक्टिव टिश्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपके कुछ जो है ना मस्कुलर टिश्यूज भी मौजूद हो। तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन को। ऑर्गन सिस्टम जो है ना वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। ये तो होगा आपका पूरा मैकेनिज्म कि एक टिश्यू सेल से जो है ना वो टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से जो है ना फिर आपका एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि फोर बेसिक टाइप टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो है ना वो आप ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है, टू वीव। टिश्यू कहाँ से निकला है, फ्रेंच वर्ड है ये, और इसका मतलब है टू वीव। फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है टू वीव। जैसे जो है ना स्वेटर है, जैसे स्वेटर को बुना जाता है तो वो जो है ना एक एक धागे से जो है ना वो बुन बुन के वीव कर करके क्लोज 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 जो है ना कॉन्टेक्ट से एक स्वेटर बन जाता है। इसका मतलब भी क्या होता है, टिश्यू जो है ना फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है टू वीव, ठीक है। और होता क्या है, टिश्यू डिफाइन एज ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल फ्रॉम द सेम ओरिजिन दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज शेप एंड फंक्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। एनिमल सेल जो है ना इज डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की टाइप में तीन तरह के, स्क्वायमस, कोबॉइडल एंड कोलमनर एपिथेलियल इज प्रेजेंट। स्क्वायमस, कोबॉइडल एंड कोलमनर एपिथेलियम। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है, दे मेनली हेल्पफुल फॉर द प्रोटेक्शन, सिक्रेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। थर्ड जो है ना आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में आपके प्रॉपर कार्टिलेजेस, बोन एंड द ब्लड सेल्स ब्लड में पाया जाता है। इसका जो काम होता है बाइंडिंग एंड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कनेक्टिव नाम से जाहिर है ना, कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग में भी हेल्प करते हैं और ये सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट में। इसके जो काम दूसरा है प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट एक सब्सटेंस को दूसरी जगह पे लाने ले जाने में जो टिश्यूज वो हेल्पफुल होते हैं वो कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज और इंसुलेशन। कनेक्टिव टिश्यू हुई की मदद से आप जो है जो आपकी हरारत है वो नहीं निकल पाती। एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू जो है किसका काम करते हैं, एडिपोज टिश्यूज आपके
इंसुलेशन का काम करते हैं, आपको किससे बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं। तो ये किसका काम है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का। थर्ड है आपका मसल्स टिश्यूज। मसल्स टिश्यूज आर स्केलेटल स्मूथ एंड द कार्डिक मसल्स। मसल टिश्यूज में कौन से आते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड द कार्डिक मसल्स। स्केलेटल कौन से होंगे, वो मसल्स जो कि आपके स्केलेटल को हेल्प करते हैं। स्केलेटल क्या कहलाता है, ढांचा जी, हड्डियों को जो सपोर्ट करते हैं। वो जो टिश्यूज होते हैं वो कहलाते हैं मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। स्मूथ टिश्यूज कार्डिक मसल्स, इसमें आप ये क्या किसमें हेल्प करते हैं, आपको मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज जो हैं पोस्चर, आप पोजीशन चेंज करते हैं, पोस्चर चेंज करने के लिए उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ये किसमें मस्कुलर टिश्यूज आपको हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये किसकी मदद से हो रहे हैं, आपके मस्कुलर टिश्यूज से, जो कि आपके स्केलेटल को सपोर्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सुकड़ना, और रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि फैलना। तो वो जो है ना आपके मसल टिश्यूज हैं। नर्वस टिश्यूज में आपके नर्वस एंड द सपोर्टिंग सेल्स, आपके नर्व सेल्स जो है ना वो किस पे मुश्तमिल होते हैं, नर्वस टिश्यूज से बने, वो नर्व सेल से मिलके जो है ना आपके नर्वस टिश्यूज बनते हैं। नर्वस टिश्यूज जो है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, कंट्रोल आपका जो एक्टिविटी है, आपका सोचना, आपका जो है ना रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में आपके रीजनिंग, आपके क्वेश्चन आंसर, आपके थिंकिंग, आपकी जो है ना वो तमाम वोकैबुलरी जो कि आपके कॉग्निशन, आपका सोचना, कॉग्निशन कहलाता है सोचने को, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपका जो मूवमेंट है, आप सपोज करें कि आपको पता है कि ये जो है ना चीज़ गलत है, उसे मैंने इस्तेमाल नहीं करना, ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, दैट इज बिकम हेल्पफुल बाय द नर्वस टिश्यूज। और आपके इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में आपकी राइटिंग, आपकी जहानत, आपके इंटेलिजेंसी, आपका जो है ना रीजनिंग, ये सब किस में आता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। ये यहाँ तक क्लियर है आपको, फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। नाउ इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जो आपका पहला है स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। एपिथेलियल का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यूज जो है ना आपके कंसिस्टिंग ऑफ द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर एंड द ग्राउंड सब्सटेंसेस। ये किस पे मुश्तमिल होते हैं, आपके सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बाद फाइबर भी मौजूद होता है। हर कनेक्टिव टिश्यू का ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर वाइज जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो किस पे मुश्तमिल हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू सेल, उसका फाइबर मौजूद होता है और साथ में उसका ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है। फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है, बनाता है मैट्रिक्स। फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस को मिला के मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहली टाइप है सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, सेल्स ऑफ कनेक्टिव वो कौन से हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका वो इस तरह से है, एक है आपका एपिथेल, यहाँ भी मैं बना देती हूँ इसको स्ट्रक्चर, जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज के बेसिक डिफरेंस है, वो दो हैं बेसिक डिफरेंस ना, यहाँ पे ज़रा स्पेस है। ये है आपका एपिथेलियल टिश्यू और ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो यू अटैच हैं, ये क्या कहलाती है, इसकी इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या कहलाती है, इसकी बेसमेंट। ये क्या कहला रहे हैं, सेल्स। ये किसका है, एपिथेलियल का, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं,
आपको क्या नज़र आ रहा है इन दोनों तस्वीर में, कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यूज़ है वो इतने क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं कि इनके दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो इंतहाई कम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनका ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो किस पे मुश्तमिल होता है, इस सेल पे मुश्तमिल होता है। उसमें जो आपका ये वाला मटेरियल है जिसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं वो इंतहाई कम मिकदार में है। तो आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो आपस में क्लोज रिलेटेड हैं और इसमें जो है ना इंतहाई कम मिकदार में मौजूद हैं, मतलब कि जो इंटर सेलुलर मैट्रिक्स होता है, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स या इंटर सेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज़ में बहुत कम होती है, लेकिन उसमें सेलुलर मटीरियल जो है ना वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ द इंटर सेलुलर कार्टिलेजेस एंड फाइबर्स इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द सेल। सेल उसमें उसकी मिकदार कम है, लेकिन जो इंटर सेलुलर सब्सटेंसेज हैं उसकी मिकदार कनेक्टिव टिश्यूज़ में ज़्यादा पाई जाती है, राइट। तो इसी तरह से ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इसको बताने से पहले मैंने ये इसलिए ड्रॉ किया था कि आपको जो ये वाला है सेल, जो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल होते हैं, इसमें फाइबर मौजूद होता है एंड द ग्राउंड सब्सटेंसेस। और एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो है ना सिर्फ आपकी क्या होती है, नर्व्स की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती एपिथेलियल टिश्यूज़ में। इसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो बाकी प्रोटीन्स हैं वो कहाँ से मिलती है, जो उसके साथ अटैच बेसमेंट होती है उसके नीचे जो ऑक्सीजन होती है, ब्लड होता है, बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है उससे जो है ना वो उन सेल को न्यूट्रिएंट्स दे रही होती है। तो आपको ये पता हो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं। कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री पार्ट्स, सेल, फाइबर्स एंड द ग्राउंड सब्सटेंसेस। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। जो टिश्यू सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो कौन से हैं, इसमें फाइब्रोब्लास्ट हो गया, हिस्टोसाइट्स हो गया, प्लाज्मा सेल्स हो गया, मास्ट सेल हो गया, फैट सेल जिसको हम एडिपोज भी कहते हैं, और वॉन्डरिंग सेल्स। वॉन्डरिंग सेल का मतलब क्या है, जो कि मूव करने वाले होते हैं, हाँ आवारा सेल यही कह सकते हैं, ठीक है जी। द कनेक्टिव टिश्यू इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल बट लार्ज अमाउंट ऑफ द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। कंपेयर विद दिस एपिथेलियल विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल बट विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये मैंने आपको इस डायग्राम में क्लियर कर दिया था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ का और कनेक्टिव टिश्यू का ये बेसिक डिफरेंस है। नाउ कम टू द बेसिकली ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर्म ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स, सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, फाइबर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द ग्राउंड सब्सटेंसेज। द फाइबर एंड द ग्राउंड सब्सटेंसेज आर कलेक्टिवली नोन एज मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, उसके बाद सेकंड है आपका जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर है वो किस पे मुश्तमिल होता है, वो फर्दर जो है ना आपका कंटेनिंग द थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर, कोलेजिनस फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड द इलास्टिक फाइबर। जो आपका कनेक्टिव टिश्यू का फाइबर है वो फर्दर जो है ना इज़ हैविंग द थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर, कोलेजिनस फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड द इलास्टिक फाइबर। इसकी जो प्रोपोर्शन है फाइबर की वो इन तमाम सेल्स में क्या करती है, वेरी करती है। मीन्स के हो सकता है आपका जो फाइब्रोब्लास्ट है उसमें जो है ना रेटिकुलर फाइबर ज़्यादा मिकदार में हो, या फिर जो आपका
प्लाज्मा सेल्स है उसमें कोलेजिनस फाइबर ज़्यादा हो, तो ये फाइबर की जो वो है मिकदार है, अमाउंट ऑफ फाइबर इज़ वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू सेल। ये इसकी शेप्स हैं, आपको शेप्स भी पता हूँ जो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं इनकी, ये बुक्स में है गिवन। अच्छा, नाउ कम टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल, दैट इज ग्राउंड सब्सटेंसेस। द ग्राउंड सब्सटेंसेस कंपोजली मेनली मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोटीन्स, मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोटीन से बना होते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस, पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एंड कंबाइनली दे आर कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियोग्लाइकन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड दी ग्लाइकन्स। ग्लाइकन्स क्या हैं आपके? पॉलीसेकेराइड्स हैं। जो आपका ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं आर मेनली कंपोज्ड ऑफ दी मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोटीन्स एंड द पॉलीमर्स दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकन्स। इट आल्सो कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर एंड द सॉल्ट सब्सटेंस। अच्छा, जो प्रोटियोग्लाइकन्स है उसकी एग्जांपल लिखे, हाइलुरोनिक एसिड। जो प्रोटियोग्लाइकन्स है उसकी एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट सी, डर्मेटिन सल्फेट, जी कैरेटिन सल्फेट और लास्ट वन इज हेपरिन सल्फेट। These are the examples of proteoglycans. Next one is the glycoprotein. These compounds are also composed of the glycoprotein are having the proteins and the carbohydrate. प्रोटियोग्लाइकन्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन, ये इसके क्या हैं? ग्राउंड सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। वो रब कर दें ज़रा ऊपर से, टिश्यू वाला खाली, ये जो है ना टिश्यू से लेके ऑर्गन सिस्टम तक। पिक्चर लें ना इसके कि नहीं ली है पिक्चर इसकी? ये भी आ जाएगा ना ज़रा, आप लोग आसानी हो जाएगी देखने। ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये कर दें इस रो से ऊपर। नेक्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं आखिर में आपको पता होने चाहिए कि उसके फंक्शन। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, उसमें सेल फाइबर की टाइप पढ़ी आपने, ग्राउंड सब्सटेंसेस की कंपोनेंट्स पढ़े, लास्ट उसका क्या आपने लिखना है? फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इज़ द बाइंडिंग एंड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, दे आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड इंसुलेशन। ये इसके फंक्शंस हैं चार। ये भी आपको अगर एक नोट आता है कि यू हैव टू राइट डाउन द नोट ऑन द कनेक्टिव टिश्यू, तो आपने उस पर कनेक्टिव टिश्यू की बेसिक डेफिनेशन, उसकी स्ट्रक्चर
डेफिनेशन, उसके बाद उसका जो है ना आपने स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर के बाद उसके जो है ना आपने फंक्शंस बताने हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, अच्छा एपिथेलियल टिश्यू। द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड द लाइनिंग कैविटीज एंड द ट्यूब्स, इट आल्सो फाउंड द ग्लैंड्स। अच्छा ये ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड इन द कवरिंग द बॉडी एंड द लाइनिंग कैविटीज एंड द ट्यूब। क्या मतलब है इसका कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ना आपकी जो बॉडी कवरिंग है, बॉडी सरफेस है आपकी, एक्सटर्नल जो बॉडी सरफेस है वो आपकी पूरी बॉडी जो है ना इज कवर्ड विद द एपिथेलियल टिश्यूज। आपकी जो आउटर सरफेस है होल बॉडी की, उससे तो आपकी एपिथेलियल जो है ना उसे तो कवर करती ही करती है, लेकिन आपके जो इंटरनल कैविटीज हैं, लेकिन जैसे आपका स्टमक है, जैसे आपका इसोफेगस है, ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर है ना इसोफेगस, तो स्टमक हो गया आपका, तो वो भी जो है ना उसके जो इनर लाइनिंग है वो भी किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज से। तो डेफिनेशन जो है ना इसकी वो क्या बता रही है कि ग्रुप ऑफ द टिश्यूज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड द लाइनिंग कैविटीज एंड द ट्यूब, एंड द लाइनिंग कैविटीज एंड द ट्यूब। सपोज करें ये आपकी कैविटी है, ये एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, इसके जो लाइनिंग है ना वो भी किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से। आपकी ये कैविटी है, आपका ये स्टमक है, इसकी जो लाइनिंग है वो भी किससे बनी हुई है, और जो आपकी बॉडी सरफेस है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो भी किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। तो ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज है दैट इज कवरिंग द बॉडी, द इनर लाइनिंग ऑफ द कैविटीज एंड द ट्यूब। It is also found in the gland. The structure of it is closely related to its function, which include. अच्छा इसका function क्या है, इसमें बताया था मैंने, जिक्र किया था cells जो है epithelial tissues में is are very closely compact. Cells are very closely compact. The intercellular space is very minimal, and the intercellular substance is also वेरी मिनिमल। द सेल्स जो है ना ज़्यादा कवर जो है ना किसने किया हुआ है, सेल ने कवर किया हुआ है ज़्यादा। दो तरह के जो है ना आपके टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, नंबर एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़। क्या फ़र्क है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ आर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ द सिंपल उस एपिथेलियल टिश्यूज कौन से होते हैं, दोज आर हैविंग सिंगल लेयर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज, वाइल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज आर कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस लेयर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। द मेन फंक्शन ऑफ द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल इज टू प्रोटेक्ट द प्राइमरी एपिथेलियल लेयर। ये मल्टीपल लेयर से मुश्तमिल है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है कि वो जो आपके प्राइमरी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उस कवरिंग को क्या करना,
प्रोटेक्ट करना। अच्छा, सिंपल एपिथेलियल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्जॉर्प्टिव होता है सेक्रेटरी सरफेस पे। सिंपल एपिथेलियल आपकी एब्जॉर्प्टरी, आपकी जो सरफेस है ये भी तो सेक्रेटरी सरफेस है ना। क्यों वो है एक्सक्रीटरी है या सेक्रेटरी है? सीबम आपका रिलीज हो रहा है, आपके मिनरल्स रिलीज हो रहा है, आपका स्वेट रिलीज हो रहा है, तो आउटर जो कवरिंग है आपकी वो किससे कवर्ड है? एपिथेलियल लेयर से। नेक्स्ट जो है ना स्टेटिफाइम एपिथेलियल, अच्छा इसके फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द अंडरलाइन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ये आपको डिहाइड्रेशन, केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज से बचाती है आपकी एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर के क्या फंक्शन है? डिहाइड्रेशन से ही बचाती है आपको, फिजिकल और द केमिकल डैमेज से भी बचाती है, सिक्योरिटी लेयर के तौर पे भी एक्ट करती है, डिफरेंट केमिकल हैं टॉक्सिन्स के सिक्रीशन, और इट आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन कैसे? कि आप जो है ना वो होते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन है, आपने जो है टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए कुछ दवा इस्तेमाल की तो वो क्या कर देती है? उसको एब्जॉर्प्शन भी तो करती है उसकी, तो इसलिए आपकी जो एपिथेलियल लेयर है वो आपका सेक्रेटरी उसके तौर पे भी एक्ट कर रही है, एब्जॉर्प्शन के तौर पे भी एक्ट कर रही है, एंड द मेन पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपके कनेक्टिव टिश्यूज, टिश्यू एंड फिर टाइप्स में कंप्लीट होती हैं। इसका आपने जो है ना इतना ही पढ़ना है, फिर जब फिजियोलॉजी में आएगा ना इसका तो डिटेल से पढ़ लेंगे आप। ये जो स्कीमा हम्म,